कैसी हो बेटी? बस माँ का आशीर्वाद है। लो आरती। तो मैं चलूं पुजारी जी? माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आपका स्वागत है। ओनली वन आवर, प्लीज जल्दी कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। ये बड़े आश्चर्य की बात है इंस्पेक्टर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इस हादसे से बचा कैसे। कैसा है वो? मुझे लगता है वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ओह माय गॉड, किधर गया इंस्पेक्टर? मैं खुद उसे यहाँ छोड़ के गया था। आइए पता करते हैं प्लीज। अरे शेखर, आप वहां क्या कर रहे हैं? एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट। हेलो शेखर, आप ठीक तो है ना? मैं इंस्पेक्टर कदम। मुझे यहां कौन लाया? हम ही आपको यहां लाए हैं। आपको कुछ याद है कि यहां आने से पहले आप कहां थे? बस में। बस में? जी वो इंस्पेक्टर साहब, वो ड्राइवर से मेरा झगड़ा हुआ था। किस वो बात ना, पे? वो ना लोगों को प्लीज। शेखर चलिए, आप उठिए अपने बेड पर, चलिए आपको आराम की जरूरत है, चलिए मेरे साथ आइए। शेखर अब आप यहाँ आराम करें और आइंदा मुझसे पूछे बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे, समझे? हाँ तो शेखर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बस के ड्राइवर के साथ आपका झगड़ा किस बात पर हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, वो बस का ड्राइवर ना सारे पैसेंजर्स को अपनी पहचान के रेस्टोरेंट में डिनर करवाना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं गाइड हूँ, हम लोग मिलन रेस्टोरेंट में ही डिनर करेंगे। फिर उसने मिलन रेस्टोरेंट के बाहर बस रोकी और सारे पैसेंजर्स उतरने ही वाले थे। उसके बाद क्या हुआ? अचानक आग की लपटें नजर आई और धुआं, बहुत सारा धुआं, और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को यहां पाया। याद करने की कोशिश कीजिए शेखर कि रेस्टोरेंट के आसपास अंदर या बाहर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा आदमी, कुछ ऐसा जो अलग हो, याद करने की कोशिश कीजिए। I'm sorry, मुझे इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। देखो इंस्पेक्टर प्लीज, अब आप इन्हें आराम करने दीजिए। ओके? नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकता हूं अपनी जिम्मेदारी पर? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं, दिल ने कहा गाड़ी रोक दे इसलिए रोक दी। कम ऑन, क्या देख रही हो? आओ कम आउट। विकी, ये वही जगह है ना जहाँ कल कहाँ, ये वही जगह है जहाँ पिछले हफ्ते हम कॉफी पीने आए थे। लेकिन कल यहाँ किसी बस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, है ना? कम ऑन सोनिया, मेरे साथ होते हो तुम्हें डर लग रहा है?
तुम्हारे साथ होते हुए मुझे बिल्कुल डर नहीं लग सकता। ये हुई ना बात। अच्छा एक बात बताओ, दो प्यार करने वाले एक दूसरे के करीब आने के लिए ऐसी जगह पे क्यों आते हैं जहाँ दूर दूर तक खामोशी हो, कोई आवाज ना हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं। और तुम्हारी धड़कन कह रही। चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलो। कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो, कम, लेट्स गो। पता नहीं गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। विकी, 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 ये गाय के शीशों पर धुन कैसे छा रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, रात को अक्सर ऐसा होता है। महाकाल, ओम चंडिकाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, आत्माय नमः, आत्माओ नमः नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम आत्माय नमः, आत्माय नमो नमः। जय महाकाल। कह रहा था ना, लेकिन तुमने अभी कहा था कि तुम्हारा बस के ड्राइवर के साथ झगड़ा हुआ था क्योंकि वो पैसेंजर्स को डिनर अपनी पसंद के रेस्टोरेंट पे करवाना चाहता था। हाँ, और तुम चाहते थे कि पैसेंजर्स अपना डिनर मिलन रेस्टोरेंट पे करें। जी, ऐसी क्या खास बात थी मिलन रेस्टोरेंट में? मतलब ये कि तुम क्यों चाहते थे कि पैसेंजर अपना डिनर मिलन रेस्टोरेंट पे ही करें? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? हाँ, क्योंकि इस हादसे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बचा और ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। उस बस में बॉम्ब प्लांट किया गया था। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बस में बॉम्ब था? तुम इतने भोले हो नहीं जितने दिखते हो, और अगर हो तो याद करने की कोशिश करो कि वहां क्या हुआ था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे जो भी याद है मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। प्लीज हेलो इंस्पेक्टर कदम है। व्हाट, कब हुआ ये? हां मैं पहुंचता हूं अभी। गोखले प्लीज कदम साहब, सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है, सुनिए तो। मुझे यकीन है कि मेरे वापस आने तक तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। सर लेकिन आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं है सर, सर प्लीज।
साहब मंदिर बंद हो गया है। भाई साहब मंदिर मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मंदिर बंद होने का सर यहां भी एक लाश है। बड़े आश्चर्य की बात है गोखले, कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि इनकी मौत कैसे हुई होगी? गोखले, गोखले। यस सर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सॉरी सर, पर मुझे लगता है कि आपने एक बात पे गौर नहीं किया सर। किस बात? सर एक दिन पहले इसी जगह पर रात को बॉम्ब ब्लास्ट से 35 लोग मरते हैं। हाँ। और आज यहाँ इसी जगह पर फिर दो हत्याएं होती हैं, वो भी रात को। तो मुझे लगता है सर इस इलाके में आत्माओं का प्रकोप है। What rubbish, गोखले। पुलिस में नौकरी करते हो और भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? सर आप मेरी enough, गोखले, enough। अपने दिमाग से भूत प्रेतों को निकालो और कातिल के बारे में सोचो और इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। रात को यहाँ क्या कर रही है? घबराइए नहीं, मैं मुझे लगा कि आपकी जान खतरे में है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। महाकाल की उपासक हूँ, तंत्र विद्या की पुजारिन, शारदा, शारदा जोशी, एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रवेश करने वाली आत्माओं की संदेशवाहक हूँ मैं। आत्माओं की संदेशवाहक? तो फिर तो आपको मालूम होगा ये किसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। पंडित जी जहां तक मुझे मालूम है उस बम विस्फोट में सिर्फ एक आदमी बचा था, शेखर। और आपका मतलब है कि उसने मुझ पर हमला किया? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो वो आग की लपटों में झुलसता हुआ दिखाई दिया है। इसीलिए मैं यहां आई हूं। आप जानते हैं वो कहां है? आखिरी बार मैंने उसे पुलिस की हिरासत में देखा था, शायद वो अभी भी पुलिस स्टेशन में ही हो। चिंता मत करिए पंडित जी, मैं शीघ्र वापस आती हूँ। शीघ्र सर, जैसा आपने कहा था उन लाशों को मैंने पोस्टमार्टम के लिए पहुंचवा दिया है। रिपोर्ट कब मिलेगी गोखले? कल शाम तक सर। वेरी गुड।
मिलन रेस्ट आग नहीं जलता आग कैसे सर एक मिनट जरा बाहर ही नहीं नहीं बैठिए 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 जी कहिए मुझे शेखर से मिलना है आप जानती हैं उसे उसे जानने के लिए ही आई हूँ मतलब मैं एक पुजारिन हूँ तंत्र विद्या की गोखले मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इस सब पर विश्वास नहीं है फिर भी तुम इन लोगों को यहाँ ले आते हो सर मैं नहीं लाया वो खुद चली आई देखिए मैडम आप मैं योग और पूजा के संयोग से आत्मिक संवाद पर शोध कर रही हूँ मुझे शेखर से अकेले में बात करनी है ये नहीं हो सकता हो सकता है हो सकता है बम विस्फोट के हादसे का कोई सिरा आपके हाथ लग जाए ठीक है आइए आप यहां बैठकर उससे बात कर सकती हैं धन्यवाद गोखले यस सर कौन है आप यहाँ किस लिए आई हैं मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं पहले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी मुझे आपकी सहायता करनी होगी हाँ सिर्फ तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो कोशिश करो शेखर शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए कोशिश करो देखिए जितना मैं जानता हूं मैं पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं तुम्हें याद करना होगा सब कुछ याद करना होगा तुम्हें अगर तुम याद नहीं करोगे तो वो आत्माएं इसी तरह भटकती रहेंगी इसी तरह छटपटाती रहेंगी देखो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी शेखर मैं उन छटपटाती आत्माओं की पुकार का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई देखो अपनी मुक्ति के लिए उस हादसे में छटपटाती आत्माएं आहकार कर रही है उनका आहकार मुझे चैन नहीं लेने दे रहा और मैं तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगी शेखर शेखर देखो तुम याद करने की कोशिश करो तुम याद करने की कोशिश करो शेखर कोशिश करो कमलेश एक फोटो जर्नलिस्ट था वो बस में सभी लोगों से बहुत घुल मिल गया था और वो सबकी तस्वीरें खींच रहा था अपने कैमरे से सर वो एक्सीडेंट साइट पे हमें भी तो एक कैमरा मिला था हाँ ओह माय गॉड उस कैमरे की तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया हाँ सर
किधर है वो कैमरा? आपके ड्रॉअर में रखा है सर। क्या यही वो कैमरा है? ये वही कैमरा है। गोखले, तुम यहीं पर रुको और शेखर का ध्यान रखो। ओके। मुझे लगता है कि इसके सहारे हम इस केस में आगे बढ़ सकेंगे। सॉरी मैडम, मैंने आपको गलत समझा। थैंक्स। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ? भविष्य विनाश के संकेत दे रहा है पंडित जी। विनाश? ये आप क्या कह रही हैं? अभी अभी जिस बुरी आत्मा को मैंने वश में करने की कोशिश की थी, उसे वश में करना मेरे लिए असंभव है। किंतु इस विनाश को तो हमें हर हाल में रोकना होगा। उसका सिर्फ एक उपाय है, हमें इस कार्य के लिए शेखर की सहायता लेनी होगी। शेखर? वो हमारी कैसे मदद कर सकता है? केवल वही एक आदमी इस हादसे में बचा है पंडित जी,
उस बुरी आत्मा से लड़ने के लिए वही हमारी सहायता कर सकता है। हमें उस तक जल्दी पहुंचना चाहिए। चलिए चलिए। उठो चलो बाहर चलो। हाँ जल्दी कम चलो। पुजारी जी, मैं आपके कहने पे इसको आप दोनों के हवाले कर रहा हूं। ध्यान रखिए ऐसा कुछ ना हो जिससे मेरी नौकरी चली जाए। गोखले जी, अप्रत्यक्ष रूप से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हमारा कार्य समाप्त होने के बाद हम इसे आपके हवाले कर देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूजा में आपको कितना समय लगेगा? हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो हम शेखर को उस जगह ले जा रहे हैं जहां पर वो हादसा हुआ था। लेकिन आप मुझे वहां क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर आत्माएं अभी भी अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना आपके साथ। आइए। शेखर, ध्यान से सुनो। एसटी, ये नाम तुमने पहले कभी सुना है? एसटी, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना था। किसके मुंह से? जब हमारी बस मिलन रेस्टोरेंट से 50 किलोमीटर दूर थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हम मेलघाट टाइगर सैंक्चुअरी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हैं। ये रास्ता विदर्भ राज्य का ऐतिहासिक रास्ता है। दबाव खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। भाई साहब, बस क्यों रोकी? देखिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी भी वक्त मर सकती है। मुझे उसके आखिरी दर्शन के लिए पहुँचना है। मेरा गाँव यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन ये तो टूरिस्ट बस है। मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज आने दीजिए ना, उनकी माँ बीमार है। Hi, I'm Kamlesh. SD. हाँ, उस आदमी ने अपना नाम एसडी बताया था, वही एसडी था। वही एसडी था? मगर विस्फोट तो रेस्टोरेंट के सामने हुआ ना, उस वक्त वो आदमी कहाँ था? याद करो, जब बस रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी तब वो आदमी कहाँ था? स्वागत है। ओनली वन आवर, प्लीज जल्दी कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। यार भूख लगी है। भाई साहब, आपको यहीं उतरना था ना? हाँ, मेरा गांव पास में ही है, मैं पैदल चला जाऊंगा। अपना बैग नहीं ले जाएंगे? अगर उस हादसे में एसडी की भी मौत हो गई है
तो फिर कार में प्रेमी और प्रेमिका की हत्या किसने की? मुझ पर जानलेवा हमला किसने किया? इसके बारे में तो वो बुरी आत्मा ही बता सकेगी। शेखर, तू मेरे साथ मंत्रों का जाप करो। ओम जय महाकाल, ओम जय महाकाल, ओम चंडिकाय नमः, ओम चंडिकाय नमः, जय महाकाल, जय महाकाल, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, जय महाकाल, जय महाकाल। मासूमों की जान के प्यासे बेकसूरों के हत्यारे मैं तुझे इसी आग में भस्म कर दूंगा, मिटा दूंगा तेरा नाम और निशान, खत्म कर दूंगा तेरे वजूद को। नहीं, नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, इस हत्याकांड का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चलिए मेरे साथ जल्दी। एसपी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, आखिर अपनी तकदीर से कहां तक भागोगे तुम? नहीं, मैं बेकसूर हूं, मैंने किसी को खत्म नहीं किया। ये झूठ है, ये झूठ है। तुम लोग धरती को जिंदा इंसानों की कब्र बनाना चाहते हो, मौत का मातम मनाने के सपने देख रहे हो तुम लोग। 35 जिंदगियों को खत्म किया है तुमने एसडी। नहीं, मैं किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो अपनी जिंदगी भी नहीं बचा सका। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो फिर कौन है इस हत्याकांड का जिम्मेदार, किसका हाथ है इसके पीछे? सच सच बता दो, वरना तुम्हारी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हें तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिलेगी। कौन है इस विनाश का जिम्मेदार, कौन है वो हत्यारा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो, मुझे जा। एसडी दीदी, मुझे बचा लो। दीदी, दीदी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वरना वो मुझे खत्म कर देगा। ये तुम्हें क्या हो गया, किसने किया ये सब? काव्या जी, आप इसकी बहन हैं? हाँ, मैं इसकी बहन हूँ, मैंने ही वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। ये आप क्या कह रही हैं? इस देश ने मुझे तबाह किया है। दीदी, इस शेखर की वजह से मेरी मौत हुई, अगर इसने मुझे बस में ना रोका होता तो आज मैं जिंदा होता। खत्म कर दो इसे, जान से मार दो इसे। बस में तुमने मेरे भाई को आवाज दी थी, अब तुम किसी और को आवाज नहीं दे सकोगे। काम्या, शेखर का कोई दोष नहीं है, वो तुम्हारे भाई को मारना नहीं चाहता था। कामया, तुम्हारे भाई के मौत की जिम्मेदारी और किसी की नहीं, तुम्हारी अपनी है। हिंसा के जिस रास्ते पे तुम चल रही हो कामया, वो तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा। सबको मौत की घाट उतार देगी। नहीं पंडित जी, आज सिर्फ इस आतंकवादी की मौत होगी, इसके अलावा और किसी की नहीं। शेखर तो मर चुका, अब तुम दोनों की बारी है। शेखर तो उसी दिन मर गया था काम्या, जिस दिन बम विस्फोट हुआ था। ये तो उसकी आत्मा है, जो भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए हमारे साथ है। उठो शेखर, आत्माओं की मुक्ति के लिए उठो। इस हादसे में अपनी मुक्ति के लिए भटकती आत्माएं तुम्हारे माध्यम से अपना बदला लेना चाहती हैं। उठो शेखर। शैतान को अपने इंतकाम के लिए उठो।